इंस्टा स्टोरीज भी अपने आप को डिफाइन करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक्स लगा रहे हैं, तो ये बिफोर वाली सारी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट की हैं, कलरफुल लगा ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले, या तू डरता है कि लोग समझ जाएंगे कि तू कर रखी है। हेलो, माय नेम इज साइलेंट एंड यू आर वाचिंग साइलेंट रो। दिस इज सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट देखना है तो ये रहा लिंक। जब लिलियास को कुछ ज्यादा ही हेट मिलने लग पड़ा तो इसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाई कि भाई बैकग्राउंड मैं खुद ही ड्रॉ करता हूँ प्रूफ के साथ, यानी इट्स नॉट अबाउट योर बैकग्राउंड, इट्स अबाउट योर होल कंटेंट। अपने आप को सिर्फ तू बैकग्राउंड दिखा के डिफेंड नहीं कर सकता। और जो तूने स्टोरीज लगाई है उसमें बिफोर वाले बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? अब ये ना बोली कि तुझे गूगल से ब्लैक एंड व्हाइट ही मिले थे। अगर आपको पता हो एक वेबसाइट है डुबली चेकर नाम की, जो आपकी इमेज की डुप्लीकेट आपको गूगल पे सर्च करके देती है, गूगल लेंस से भी आप सेम काम कर सकते हो। तो अगर आप ये चाहे कि टपरी वाली इमेज को सर्च करें तो हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल नहीं बल्कि कलरफुल में मिलेगी। और हाँ, ये एक 3D मॉडल है, ये रहा इसके डिफरेंट सीन्स। और अगर हम स्ट्रीट वाली इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में सर्च करें तो हमें ये बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम इसको कलरफुल में सर्च करें तो ये रहा आर्टिकल, इसके बिल्कुल एंड पे ये तस्वीर है, ये देखो। इसका मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट में ये तस्वीरें गूगल पे एग्जिस्ट नहीं करती। इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में प्रोवाइड करने का मकसद ये था कि एक इल्यूजन पैदा हो सके, क्योंकि लोग जब ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल चीज देखेंगे तो उनको लगेगा हाँ इसमें काफी चेंजेस है, तो एक इल्यूजन पैदा हो जाएगी कि हाँ भाई इसने इसको ड्रॉ किया। रिसर्च करते हुए मुझे वो एग्जैक्ट ट्यूटोरियल मिल गया जिसको देख के लिलियास अपने बैकग्राउंड बनाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे बाद में प्रूफ करूंगा, लेकिन पहले मैं बताऊंगा ये अपने बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। IPS पेंट ओपन करो, रियल इमेज को इम्पोर्ट करो और फिर फिल्टर में जाकर आर्टिस्टिक वाले ऑप्शन में जाकर एनिमे बैकग्राउंड वाला फिल्टर लगा दो। अब तस्वीर का कलर पिक करो और उसी के ब्रश स्ट्रोक मार दो तस्वीर पे, ये वाला ब्रश लेके इन तीन कलरों से लाइनें मार दो, दरख्त तैयार आपके। और बैकग्राउंड पे क्लाउड्स लगा दो, वाटर मार्क वाला, बिजली की तारे दिखाने के लिए सिर्फ तीन लाइनें मार दो, सिंपल। और ये रहा बैकग्राउंड आपका 5 मिनट में है लिलियास। ट्यूटोरियल एग्जैक्ट कैसे था मैं बताता हूँ। ट्यूटोरियल वाले ने ये बैकग्राउंड यूज किया दिखाने के लिए और लिलियास ने भी यही सेम बैकग्राउंड यूज किया हुआ अपनी वेब सीरीज में, ये देखो। डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल का लिंक दे दिया, आप चेक कर सकते हो। Now let's talk about RG। इतने फेम के साथ अगर आप किसी को बुरा बोलोगे ऑफ कोर्स उसको हेट तो मिलेगा। लिलियास पे एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाने के बाद अब RG बोल रहा है वो बच्चा उसको हेट ना दो। ये पहली बार नहीं हो कि RG का नाम किसी ने इस्तेमाल किया और RG को मेंशन ना किया, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि RG को बोलना पड़ा? बिकॉज लिलियास कुछ ज्यादा ही ग्रो हो गया था। तो जब इसने वेब सीरीज पोस्ट की गंदी से एनिमेशन के साथ और उसको फर्स्ट एनिमेशन वेब सीरीज बोला और उसको एनिमे डिक्लेयर किया, तो लोगों ने उसको कहा कि तू एनिमेशन कम्युनिटी का फ्यूचर है। तो RG को यहाँ पे तब चढ़ी, क्यों? RG बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि जब एक बंदा 4 से 5 महीने लगा के एक एपिसोड बना रहा है और वहीं पे दूसरा बंदा पिक्चर मैनिपुलेशन एनिमे बोल रहा है तो ऑफ कोर्स गुस्सा तो आता है यार। नो एड टू लिलियास, मैं सिर्फ उसके कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस महीने 1K हमने कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच, बाय।